यार ये मुझे याद क्यों नहीं हो रहा कुछ भी याद नहीं हो रहा है अपनी लैंग्वेज में लिखने को बोला था मैम ने कुछ भी याद नहीं हो रहा है अ अ अ लेंचो लेंचो फार्मर फार्मर आगे का याद क्यों नहीं हो रहा मैं पेपर में कैसे लिखूंगी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है क्या तुम्हें भी कभी कभी लगता है क्या कि यार मैम ने तो बोला था कि ये याद कर लो और पेपर में बस सेम का सेम लिख कर आ जाना अगर तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम होती है कि मैम लॉन्ग आंसर्स ना याद नहीं होते हैं मैम हम रट्टा तो मारते हैं बट दो तीन दिन से ज्यादा चलते ही नहीं है मैम हमको ना इंग्लिश आती तो है बट आंसर्स बना बना के कैसे लिखें तो अगर आपको भी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि अभी मुझे आ रही हैं तो ठीक है तुम एकदम सही जगह आए हो तुम्हें आज के सेशन में पता चलेगा कि लॉन्ग आंसर्स को कैसे याद करना है जी हाँ लॉन्ग आंसर्स को हम याद भी कर सकते हैं हम अपनी लैंग्वेज में कर, बना बना कर भी लिख सकते हैं, that's so easy. लोग आज के सेशन में हम लोग यही सीखेंगे कि लॉन्ग आंसर्स को कैसे याद करें कैसे अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिखें वेलकम टू माई सेशन मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एडुकेटर आज की क्लास को शुरू करते हैं शॉर्ट सेशन है गिन के 10-15 मिनट की वीडियो होगी सो प्लीज एंड तक देखिएगा ताकि आज के बाद से तुमको इंग्लिश में ये वाली प्रॉब्लम ना आए ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो यार मैंने ना बहुत ही ज्यादा दिमाग खर्च करने के बाद लिखा है क्यों लिखा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लिखी हुई चीजें या फिर जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड चीजें हों वो हमारे दिमाग में जल्दी घुस जाती हैं अब पता नहीं ऐसा होता है तुम्हारे साथ के नहीं सो लेट्स सी तो यार पहला पॉइंट है कि अपनी लैंग्वेज में लिखो हमको ना अक्सर लगता है कि यार बोल बोलकर या फिर बस सुनकर एक ही बारी में याद हो जाएगा जी नहीं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत ज्यादा गलत सोचते हैं आपको हमेशा हमेशा मतलब एवरी सिंगल टाइम यू रीड अ चैप्टर आपको वो चीज लिखनी है यानी कि अब आपने आंसर एक बार पढ़ा आपको नहीं याद हुआ आपने रट्टा मारने की कोशिश करी टू वन सा टू टू वन सा टू टू वन सा टू टू वन सा टू ऐसे बार बार करोगे तो रट्टा लग जाएगा बट कितने दिन के लिए दो तीन दिन के लिए मैक्स टू मैक्स दो तीन दिन सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपनी लैंग्वेज में उस आंसर को लिखना है आपको लिखकर कर प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट जब एक चैप्टर कंप्लीट हो उसके क्वेश्चन आंसर्स को खुद से अपने हाथों से लिखो जी हाँ इन कोमल कोमल हाथों को थोड़ा सा कष्ट दो और लिखने की प्रैक्टिस पॉइंट नंबर टूटी फूटी ही सही पर इंग्लिश में खुद से आंसर्स बनाकर लिखो ठीक है भाई तुम उस्ताद नहीं हो मान लिया कि तुम इंग्लिश के उस्ताद नहीं हो बट हाँ तुम्हें इतना तो आता है कि तुम टूटी फूटी इंग्लिश में लिख सको आता है कि नहीं तो कोशिश करनी है कि आंसर को अपनी लैंग्वेज में बना बना कर लिखो

YouTube पे हजारों वीडियोस है एक ही चैप्टर की चेक करो कि क्या तुम्हारा मिलता आंसर आ पा रहा किसी का भी रट्टा ना मतलब एक महीना दो महीना तक नहीं चलता है क्यों क्योंकि वो ना हमने एकदम जल्दी जल्दी में याद किया है, है? और वो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना हमने ये तो सोचना ही खत्म कर दिया कि यार बाद में अगर मुझे याद करना हो तो फिर से रट्टा मारूंगा एक तो एक तो दो दिन लग जाते हैं रट्टा मारने में टू टू, टू फोर, टू फोर, टू ऐसे ही होता है हम सब कुछ एक साथ खिचड़ी बना देते हैं और खिचड़ी यार हमेशा तो नहीं अच्छी लगती है है ना तो इसीलिए कोशिश करनी है कि अगर बोल बोल कर लिखोगे या पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहेगा लिख तो तुम रहे हो ठीक है अपनी लैंग्वेज में भी लिख रहे हो तब तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब चैप्टर पढ़ रहे हो बोल बोल कर पढ़ो कोई तो मैं नहीं पीट रहा यार कोई तो मैं नहीं पीट रहा कि तू बोल बोल के क्यों पढ़ रहा है और स्कूल के बाद जब रिविजन करते हो बोल बोल के पढ़ो रीड अलाउड इंग्लिश का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि भाई तू तो जो चीज बोल बोल कर पढ़ेगा वो तेरे दिमाग में बैठ जाएगी वो तेरे दिमाग में बैठ जाएगी तो अगर तुम ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो क्या इंग्लिश के याद हो जाएंगे? जी हाँ मुझे याद हुए मेरे भाई बहनों को याद हुए मेरे पिछले को याद हुए, तो तुम तो तुम यार अभी आए हो मैदान में तुम्हें भी याद हो जाएंगे आगे चलते हैं जब भी चैप्टर पढ़ते हो स्पेशल वर्ड्स गौर फरमाएंगे स्पेशल वर्ड्स या फिर इंपॉर्टेंट लाइंस को लिख लो ताकि जब क्वेश्चंस करो तो खुद से बनाकर लिख पाओ तो यार कुछ बच्चे ना सिर्फ हवा में रीड करते हैं कि अरे मैम बोल रही है हाँ 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 ठीक है ये था ये था ये था ये था समझ लिया ठीक है बट ऐसा नहीं करना है तुमको तुमको क्या करना है जब भी मैम बोल रही होंगी या तुम्हें पढ़ा रही है या तुम खुद से चैप्टर पढ़ रहे हो और तुमको लग रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, ये पॉइंट माना है तो चैप्टर में कुछ ऐसी, ऐसी होंगी जो आपको लग रही होंगी कि यार इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट में जब चैप्टर पढ़ती थी ना मैं उसके पहले क्वेश्चन पढ़ती थी हाँ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पढ़ती थी ताकि वो दिमाग में बैठे कि यार ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर ये मिलता जुलता हो सकता है मैं उसको अंडरलाइन कर लेती थी और लिख लेती थी नोटबुक में इससे क्या हुआ मेरे चैप्टर को मैंने दिमाग में बैठा लिया दूसरा फायदा जब क्वेश्चन आंसर्स कर रही हूँ वो लिखी हुई लाइंस को मैं थोड़ा सा घुमाऊंगी फिराऊंगी और उस क्वेश्चन के आंसर में लिख दूंगी फिट हो गया सिंपल यार और अगर ये सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे आपको क्वेश्चन आंसर्स आसानी से याद हो जाएंगे चाहे कितने भी लंबे आंसर्स क्यों ना हो आपको याद हो जाएंगे अभी एक एग्जांपल भी दूंगी सो so, ये मत सोचो कि मैम आप तो हवा में बताई जा रहे हो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ट्रस्ट में तुमने अभी तक कोशिश नहीं करी होगी इन सारी चीजों को फॉलो करने की अगर कर लोगे तो तुम वापस इस सेशन में आओगे और बोलोगे कि हाँ मैम आज मुझे इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आंसर याद हैं, मैं खुद बनाकर लिख सकता हूं हर चैप्टर की शॉर्ट वीडियो देखो यार अब ना स्मार्ट वर्क का टाइम आ गया अब जो टाइम है ना आजकल कोई भी हार्ड वर्क में विश्वास नहीं रखता है सबको चाहिए भैया स्मार्ट वर्क कम समय में ज्यादा कंटेंट, कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ाई चाहिए तो जब भी आप यूट्यूब YouTube पर आओ आपको हर चैप्टर की 10 से 15 मिनट की इनफैक्ट 20 मिनट की एक वीडियो पक्का देखेगी जिसमें समरी होती है इंपॉर्टेंट की होते हैं और क्वेश्चन आंसर्स उन वीडियोस को देखो ऐसा कहा जाता है रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये फैक्ट है कि जो चीज हम देखते हैं हमारी ना विजुअल मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है 10 गुना अच्छी नॉर्मल मेमोरी से हम जो चीज देखते हैं सुनते हैं वो हमारे दिमाग में जल्दी स्टोर होती है ज्यादा टाइम तक स्टोर रहती है तो हमेशा शॉर्ट वीडियो को देखो उसमें से पॉइंट्स उठाओ और लिख लो क्योंकि ये जो है ना ये हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा समय तक रह पाता है ज्यादा समय तक रह पाएगा तो यार दिक्कत ही कहा आ रही है दिक्कत ही नहीं आ रही पेपर में तो आसान हो जाएगा सब लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रैक्टिस करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा अब यार कॉन्फिडेंस की ना बहुत कमी आ जाती है मैं बहुत आराम से रिकॉर्ड कर रही हूं ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि अरे मैम ऐसे कैसे मतलब मैं बहुत आराम से बता रही हूँ आप लोगों को यार प्रैक्टिस क्यों करनी है क्योंकि यार तुमको पता कैसे चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है ट इज राइट एंड वट इज रॉन्ग उसमें फर्क ऐसे पता चलेगा तुमको लिखोगे तभी तो पता चलेगा कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होना है गलत और सही का फर्क प्रैक्टिस से आएगा और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने सही होते जाओगे और सही और सही और ज्यादा सही और जब फाइनली सही हो जाओगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों को अक्सर लगता है कि मैम हमारी इंग्लिश वीक है हम लिखेंगे कैसे मैम हमें इंग्लिश समझ ही नहीं आती हम कैसे लिखें मैम मार्क्स कट जाएंगे बेटा ये सोच रहे हो ना लिख के देखो अब सोचने का टाइम नहीं है अब करके दिखाने का टाइम है है ना अब सोचो मत अब करके दिखाओ ताकि टॉप मार जाओ हमारा एम क्या है यार हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें ज्ञान मिले और दूसरा कि हम टॉप मार जाए ज्ञान होगा तो टॉप मारना आसान है बहुत आसान है सो प्लीज प्रैक्टिस करना मत बंद करो रोज भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है आप में से किस किस को थोस्टिक्रो की कहानी याद है थोस्टिक्रो प्यासा कौआ जिसके पास एक मटका दिखा था उसने मटके में पेबल्स डाले आने की कंकर डाले पानी ऊपर आए उसने पानी पी लिया ये हमको क्यों याद है हर बच्चे को ये कहानी याद होती है हर बच्चे को चाहे आप यूपी से हो बिहार से हो झारखंड छत्तीसगढ़ कहीं से भी हो आपको हमेशा ये कहानी याद रहेगी क्यों क्योंकि बचपन में ना हमको दिखाई गई थी कहानी पिक्चर्स के थ्रू समझाया गया था तो हमारे दिमाग में वो पिक्चर आज तक है रट्टा मारा नहीं आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी नहीं बट ये चीज याद क्यों है क्योंकि हमने इसको लिखा है क्योंकि हमने इसको सुना है क्योंकि हमने इसकी पिक्चर्स देखी है क्योंकि हमने इसको बोला है ये चीजें जब आपने बचपन में करी थी तो अभी तक याद है तो जब आज करोगे तो आने वाले एक दो दिन एक दो महीनों में क्यों याद नहीं रहेगी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये क्यों याद है क्योंकि आपने बचपन में बार बार लिखा है बार बार सुना है बार बार देखा है तो ये तो बेसिक चीज है भाई जब बचपन में वो चीज याद करी हुई अभी तक याद है तो आज की याद की हुई चीज इसी मोड में आने वाले एक महीने तक तो क्यों याद नहीं रहेगी रहेगी याद तो बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है क्या करना है अपने को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है लंबे लंबे आंसर्स आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप ये पांच पॉइंट्स फॉलो कर लोगे ठीक है आई होप तुम लोगों को सेशन इंटरेस्टिंग लगा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसे और कौन कौन से सेशन तुमको चाहिए है जिसमें तुमको दिक्कत आ रही हो और बस अब तो यही चाहिए मैं पक्का एश्योरेंस देती हूँ प्रोमिस करती हूँ कि आपके वो सेशन जरूर मिलेंगे यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ